हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे मूल के प्रकार, टाइप ऑफ रूट, तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। मूल के प्रकार टाइप ऑफ रूट, टाइप ऑफ रूट। उत्पत्ति के आधार पर मूल के तीन प्रकार हैं। नंबर एक मूसला मूल, जिसे कहेंगे टैप रूट। नंबर दो जकड़ा या रेशेदार मूल, फाइबर रूट बोलेंगे। नंबर तीन अप्रस्थानी मूल। एडवांटेज रूट, जिसमें हम मूसला मूल की बात कर चुके थे, फिर भी मैं बता रहा हूं कि मूसला मूल क्या है। कि इस प्रकार की मूल होती है जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती है, जो अपनी लंबाई व मोटाई में वृद्धि कर पौधे की मुख्य मूल बन जाती है, जिसे कहा जाता है मूसला मूल। आपको बताया गया था कि द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जैसे चना सरसों आदि के अंदर एक प्रकार से कौन सी मूल पाई जाती है, मूसला मूल। तो आज हम बात करेंगे, अपना टॉपिक नंबर दो चलेगा टाइप में, जकड़ा या रेशेदार मूल। तो नंबर दो बात करेंगे जकड़ा या रेशेदार मूल। ध्यान देंगे, एक बीजपत्री पादपों में मूलांकुर से प्रारंभिक मूल निकलती है जो अल्पजीवी होती है। जैसे हम देख रहे हैं यहां प्रारंभिक मूल निकलेगी जो अल्पजीवी होती है। कुछ समय बाद ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद में तने के आधार भाग से अनेक छोटी छोटी रेशेदार मूलें निकलती हैं, जिन्हें कहा जाता है जकड़ा मूल बोलेंगे। ये मूल होती है जो एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि के अंदर एक प्रकार से किस प्रकार की मूल पाई जाती है, जकड़ा या रेशेदार मूल। नंबर तीन बात करेंगे अप्रस्थानी मूल। नंबर तीसरी होती है अप्रस्थानी मूल, अप्रस्थानी मूल क्या है, इस प्रकार की मूल होती है जो मूलांकुर से विकसित न होकर, ध्यान रहे, मूलांकुर से विकसित न होकर
पौधे के अन्य भाग तना, शाखा व पत्तियों से निकलती है, जिन्हें कहा जाता है अपस्तनिक मूल। ध्यान रहे, एग्जाम्पल जैसे घास, बरगद आदि के अंदर निकलने वाली मूल होती है, एक प्रकार से कौन सी मूल होती है? अपस्तनिक मूल। ध्यान रहे, अपस्तनिक मूल की यदि बात करें कि एक बीजपत्री पादपों के अंदर मिलने वाली जकड़ा मूलें एक प्रकार से अपस्तनिक मूल का ही क्या है, उदाहरण है। तो ये मूल के प्रकार थे जिसमें हमने पढ़ा है मूछड़ा मूल नंबर 2, रेशेदार मूल नंबर 3, अपस्तनिक मूल। यदि इनमें अंतर की बात भी करें, अंतर की बात करें तो आप इनमें अंतर कर सकते हैं। सामान्य रूप से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मूछड़ा मूल नंबर 2, अपस्तनिक मूल, मूछड़ा मूल होती है ये हमेशा भूमिगत होती है। ध्यान रहे, भूमिगत का मतलब समझ गए होंगे कि हमेशा किसके अंदर होती है, भूमि के अंदर। और ये मूल होती है जो भूमिगत वे वायवीय दोनों प्रकार की हो सकती है। ये मूल भूमि के अंदर गहराई तक जाती है जबकि ये गहराई तक नहीं जाती है। मूछड़ा मूल होती है ये मूलांकुर से विकसित होती है। ध्यान रहे, ये मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भाग तना, शाखा व पत्ती से विकसित भी होती है। इसके अंदर प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल निकलती हैं, जबकि अपस्तनिक मूल की बात करें तो इसके अंदर जकड़ा मूलें होती है, रेशेदार मूल होती है, एक प्रकार से अपस्तनिक मूल का ही क्या है, उदाहरण है। इस प्रकार की मूल होती है जो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। ध्यान रहे, जबकि इस प्रकार की मूल होती है जो एक बीजपत्री पादपों और घास या बरगद आदि के अंदर एक प्रकार से कौन सी मूलें पाई जाती है, अपस्तनिक मूल। तो इस प्रकार से आप मूछड़ा मूल व अपस्तनिक मूल में अंतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।